गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं सॉल्ट, SWORD सॉल्ट। सॉल्वेंट एक तलवार रहता है, वो टॉय रहता है, तो पेपर से बनाना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको पेपर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ से पूरा A4 साइज का पेपर लिया है क्राफ्ट पेपर। तो आपको एक पेपर नहीं लेना है, 1, 2 और 3 पेपर लेना है आपको, क्योंकि वो ऐसा लगता है छोटा है, लेकिन उसके ऊपर थोड़े 3 लेयर्स, 1 लेयर देखिए, 2 लेयर स्मॉल है, फिर 3 लेयर देखिए, ऐसा थोड़ा है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं कैसा हो। एकदम इजी है, तो आपको कुछ ऐसा घाई नहीं करना है, बहुत स्टेप बाय स्टेप करना है, मैं आपको बताई कैसा करना है। सबसे पहले आपको कौन सा भी कलर पेपर लेना है, जैसे मैंने 3 कलर पेपर लिया है, जैसे आपको कौन सा भी कलर 3 लेना है आपके चॉइस का। मैंने तो लिया है ग्रे, ग्रीन और ब्लू लिया है, तो आप कौन सा भी ले सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है, जैसे मैंने लिया आपको वैसे। अभी इन तीनों में से एक पेपर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो आप कौन सा भी पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं लेती हूँ ग्रे कलर का पेपर से स्टार्ट करती हूँ, बाकी ये दोनों साइड में रख दूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कैसा। सबसे पहले आपको क्या करना है, फोल्ड करना है। फिर इसको ओपन करके बेस साइड पे फोल्ड करते हैं, तो उसके बाद ये साइड पे सेम जैसे ही करना है, वैसे ही। देख सकते हैं यहाँ तक हो गया, तो आपको क्या है इसको ऐसे ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लू लगाना है। ये दोनों भी ऐसे स्टिक कर, हो गया एक साइड से, उसको प्रेस करके रखना है 5 to 10 हो गया प्रेस करके, अभी उसको क्या करना है, उसको उल्टा करना है, उसके बाद उसको ऐसे हाफ में ऐसे फोल्ड। नेल्स या तो आप किसी से ऐसे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है, क्योंकि यहाँ तक हो गया है, ये भी सेम आपको ऐसे ही। उसके बाद फिर से ओपन करना है ऐसे, और फिर से अंदर से तीन लगाना है, हल्का हल्का गुजरा करना है, ज्यादा नहीं लगाना है।
जोर से प्रेस करना है, फिर वो खुलेगा। फाइव टू टेन मिनट सबको ऐसे पकड़ के रखना है। यहाँ तक हो गया, अब पूरी फिर यहाँ से साइड से कट कर देना टू टाइम्स पॉइंटेड एक। ये साइड अगर ज़्यादा हुआ होगा तो आप दूसरे साइड भी आप जैसे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये जो पॉइंट है ना, इसके अंदर ये दोनों को भी ऐसे स्टिक करना है दोनों साथ में। अभी दूसरा पेपर ब्लू कलर पेपर लेते हैं। अभी आप तो कौन सा भी पेपर लेते हैं ले सकते हो, ये साइड में रख दो। ये भी सेम फोल्ड ऐसे ही करना है। के बीच में आपको उसको फिर से घूम लगा होल्ड करके उसको 5-10 मिनट सबको उसको पकड़ के रखना है, या तो उसके ऊपर कोई वजन रखना है। ठीक है, फिर आपको ब्लू कलर का भी आपको एक स्टैंडिंग लेना है पर्स से लेके ये पेपर आपको फेंकना नहीं है, यहाँ से ज़्यादा जल्दी नहीं ले रहा है।
जिसको गम लगा है वो आपको क्या लेना है, वो जो स्टिक है उसको स्टिक कर लेना है। फाइव टू टेन है ऐसे ही रखना है। बन गया है, आप देख सकते हैं स्टिक बन गया है। एक ये लेना है, इसके अंदर अभी ये डालना है। ये जो नीचे का पार्ट है ना उसमें डालना है। आप देख सकते हैं अंदर डाल दिया। ये जो एंडिंग का है आपको उसको ग्लू लगाना है। पीछे भी और आगे फिर से आपको पेपर लेना है, वही पेपर लेना है जो मैंने आपको बोला था। उसके बाद स्केल और ये लेना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ से यहाँ तक फाइल लेना है, फिर से यहाँ से यहाँ तक फाइल और यहाँ से यहाँ तक 15 लेना। पूरा पेज ही मीन्स पूरा पेज नहीं, थोड़ा सा 15 इसको भी कट कर दीजिए। यहाँ से अगर पाइप है यहाँ से अगर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करना है इस अंदर से। इसको सीजर से कट करना है। अगर आपके पास पॉइंट वाला सीजर होगा तो बेस्ट है, तो उसको कट करना है। थोड़ा सा स्क्रैच करना है, ब्लेड को यूज नहीं कर सकते। Thank you.
मुझे नहीं लगता है वो जाएगा इसके अंदर, तो क्या करना है थोड़ा सा और देखते अगर इसके अंदर जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा खींच के लिए यहाँ तक मैंने डाल दिया आप देख सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, ये है ना ये पूरा आधा ये रहना ही चाहिए, अगर ये इसके नीचे है तो वो नहीं आएगा, उसको ऐसे दोनों साइड करके ऐसे अंदर डाल। उसको ऐसे ग्लू लगा को कम लगा के ऐसे प्रेस करते रहते हैं 5 to 10 minutes। दूसरे साइड में भी आपको ग्लू लगा के इसको ऐसे प्रेस करके रखना 5 to 10 minutes में उसको ऐसे प्रेस करके रखना। देख सकते हो रेडी हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं कलवा, तो वो बनाने स्टिक भी हो गए, स्कैनर भी हो गया, पूरा एकदम ईजी नहीं बना, लेकिन इसमें आपको 3 papers लगता है, 3.5 to 2.5 papers लगते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टिक किया है 1 paper, इसके अंदर 2 papers और ये 3 papers एक साथ रखिए, आप देख सकते हो पूरा एकदम हो गया। पीछे आपको ऐसे ही दिखेगा क्योंकि पीछे का तलवार ऐसे ही आता है, एक सपोर्ट के लिए डाला जाता है, तो ये नहीं ऐसे आप इसको ऐसे पढ़ भी सकते हैं। सब देख सकते हो बहुत ही ईजी है बनाने के लिए। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी वे में मैंने बनाया है आपको, आप इसको कभी भी एकदम स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं।